नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने बिहार में 2 बाईपास समेत 3 बड़ी सड़क परियोजना के लिए दी मंजूरी। बिहार के अस्पतालों में अब तुरंत होगा मरीजों का इलाज। बिहार MLC चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। सोशल मीडिया पर गलत खबर चलाने वालों की अब खैर नहीं। DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इस दिन तक करे सुधार। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। UPSC EPFO ने 577 पदों पर निकाली भर्ती अधिसूचना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर के पदों पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में कुल 577 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में 2 बाईपास समेत 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए दी मंजूरी। होली के बाद केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को सड़कों का गिफ्ट दिया गया है। बता दें केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में 2 बाईपास समेत 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी गई है और साथ ही इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा राशि भी जारी कर दी गई है। बता दें कि जिन सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है उनमें बिहार से गुजरने वाली राम जानकी मार्ग, अररिया जिला में रानीगंज बाईपास और वैशाली जिला में जंदाहा बाईपास शामिल है, जिसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कुल 1,807 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही साथ राम जानकी मार्ग के तहत बिहार में प्रवेश करने वाले उत्तर प्रदेश के मेहरौना घाट से बिहार में सिवान तक 41 किलोमीटर NH निर्माण के लिए 1,661.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र द्वारा दी गई है। अब जल्द ही इसके लिए टेंडर जारी करने की कवायद शुरू की जाएगी। बिहारी बोधरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे पूजा मिश्रा के बारे में। पूजा मिश्रा का जन्म आज ही के दिन 1984 को हुआ था। यह एक भारतीय मॉडल अभिनेत्री हैं। बता दें कि पूजा मिश्रा का जन्म बिहार के मुंगेर में हुआ था। पूजा मिश्रा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अर्जुन रामपाल और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म दिल का रास्ता से डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह साजन आइटम नंबर में भी नजर आई थी। पूजा मिश्रा ने अपनी टीवी करियर की शुरुआत B4U के शो जब वी टॉक से की थी। इसके अलावा वह UTV बिंदास के रियलिटी शो बिग स्विच ऑन का भी हिस्सा रह चुकी है। वह कलर्स के बहुचर्चित बहु विवादित शो बिग बॉस सीजन 5 में बतौर प्रतिभागी नजर आ चुकी हैं। इस शो में उनके झगड़ालू पन ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। पूजा ने अपना टीवी कार्यकाल B4U पर एक टॉक शो जब वी टॉक के साथ शुरू किया, जहां उन्होंने रिश्ते की समस्याओं के समाधान की पेशकश की। बिहार में पंचायत उपचुनाव के लिए 3,298 रिक्त पदों पर मई में मतदान संभावित। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में 3,298 रिक्त पदों पर मतदान के लिए पंचायत उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसके लिए आयोग की ओर से नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है। इसके लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 24 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले 13 मार्च से मतदाता सूची का वार्डवार बंटवारा का काम आरंभ कर दिया जाएगा और उसके बाद 28 मार्च को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। मालूम हो कि उपचुनाव को लेकर तैयार की जा रही नई मतदाता सूची 1 जनवरी 2023 की अर्हता के आधार पर ही की जा रही है। वहीं मतदाता सूची तैयार होने के बाद सभी ग्राम पंचायतों की रिक्त सीटों पर मतदान का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। VV व PPU में इस दिन से शुरू होगा एडमिशन। अगर आप भी उन छात्र छात्राओं में आते हैं जो इंटर की परीक्षा दे चुके हैं और पटना यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में एडमिशन लेने की प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग को सत्र नियमित करने के लिए बनाई गई कमेटी के द्वारा सेंट्रलाइज्ड कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट का सुझाव दिया गया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसलिए PU छोड़कर अन्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया इंटर में प्राप्त अंकों के आधार पर ही की जाएगी। वहीं PU में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। इन सब के बीच आपको यह बता दें कि पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेने वाले इच्छुक छात्राओं के लिए कॉलेज की ओर से एडमिशन तिथि अलग से जारी की जाएगी, जो कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी की जा सकती है।
के सहरसा की बेटी लक्ष्मी झा ने किया कमाल। बिहार की बेटियां किसी से पीछे नहीं है, यह तो कई बार सिद्ध हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर बिहार की बेटी ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है जिससे पूरे राज्य का नाम रोशन हो गया है। बता दें कि बिहार के कोसी क्षेत्र सहरसा जिले की बेटी लक्ष्मी झा ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत मात्र 36 घंटे में 19,314 फीट ऊंचाई तय कर दक्षिण अफ्रीका में दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर भारत का झंडा लहराया है। बता दें कि इससे पहले भी लक्ष्मी झा ने नवंबर 2022 में सिर्फ 9 दिन के अंतराल में नेपाल के काला पत्थर पीक और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर तिरंगा फहराया था। उनका कहना था कि अगर उन्हें आर्थिक मदद मिली तो वह एक दिन एवरेस्ट की चोटी पर भी पहुंचकर देश के तिरंगा को लहराएंगी। इस बार के बिहार दिवस को यादगार बनाने की चल रही है तैयारी। 22 से 24 मार्च तक आयोजित होने वाले बिहार दिवस को यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। बता दें कि इस साल हमारा बिहार पूरे 111 साल का होने वाला है। इसी को देखते हुए राज्य में इस बार बिहार दिवस में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा शहर में फिल्म और थिएटर फेस्टिवल, म्यूजियम भ्रमण, हेरिटेज वॉक और स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। वहीं पर्यटन विभाग के द्वारा बिहार की राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में विभिन्न जिलों के मशहूर व्यंजन का मेला आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा शहर के प्रमुख सिनेमा घरों में राज्य के फिल्म निर्माताओं और निर्देशक के फिल्मों की प्रस्तुति की जाएगी और साथ ही इस मौके पर पटना में अलग अलग स्थानों पर कलाओं की प्रदर्शनी भी की जाएगी। वहीं टेक्सटाइल डिजाइन की प्रदर्शनी निफ्ट में लगेगी। बिहार के दो वरिष्ठ आईएएस अफसरों को मिली प्रोन्नति। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी गई है। बता दें कि इन दोनों आईएएस अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव के रूप में प्रोन्नति दी गई है। मालूम हो कि जिन दो आईएएस अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव के रूप में प्रोन्नति मिली है उनमें उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह के नाम शामिल है। अब ये दोनों अधिकारी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बिहार विधान परिषद की खाली पड़ी 5 सीटों को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उसमें सारण स्नातक निर्वाचन सीट से जेडीयू उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव, गया स्नातक से आरजेडी के पुनीत कुमार, गया शिक्षक से जेडीयू के संजीव श्याम सिंह, कोसी से जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन सीट से केदार पांडे के बेटे अनंत पुष्कर को सीपीआई से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव 31 मार्च को होना है। अब बस एक क्लिक पर पाएं जमीन की पूरी हिस्ट्री। कुछ ही समय में बिहार के लोगों को जमीन से जुड़ी किसी भी जानकारी को पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बहुत जल्द ही यह सभी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी जाएगी, जिसके बाद से लोगों को माउस के केवल एक ही क्लिक से जमीन की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। फिलहाल इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बता दें कि सुविधा के शुरू होने से न केवल आम लोगों के समय में बचत होगी बल्कि जमीन विवाद में भी कमी आएगी और साथ ही अंचल कार्यालयों में भी काम का दबाव और भीड़ भाड़ कम होगा। इसके अलावा सरकार को जमीन की लगान भी ऑनलाइन ही मिल सकेगी। मालूम हो कि इसके तहत राज्य के करीब 3.78 करोड़ जमाबंदी का डिजिटाइज्ड किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से सभी अपर समाहर्ताओं के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 15 अप्रैल 2023 तक कर दिया गया है। प्रदेश के इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बता दें कि प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों के जिलों में मौसम खुशनुमा बना रहने वाला है। इन इलाकों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि इस दौरान पछुआ हवा का प्रवाह बना रहने वाला है। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि 11 मार्च से 13 मार्च के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। वहीं प्रदेश के दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के भागों में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ कई इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। अग्नि
अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा आगे। अगर आप भी अग्निवीर भर्ती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हो रहे अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 मार्च 2023 से बढ़ाकर 20 मार्च 2023 तक कर दी गई है। यानी कि अब सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के अधीन आने वाले सभी 8 जिलों के अभ्यर्थी 20 मार्च 2023 तक सेना के वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बता दें कि सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के अधीन जो 8 जिले आते हैं उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिला शामिल है। मालूम हो कि इस बार सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर पास होने वाले अभ्यर्थियों को रैली के लिए बुलाया जाएगा। बिहार के अस्पतालों में अब तुरंत होगा मरीजों का इलाज। बिहार के अस्पतालों में मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जा सके और साथ ही ओपीडी और इमरजेंसी में डॉक्टर सही समय पर आए, इन सब चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत सूबे के 38 जिलों का कंट्रोल रूम बिहार की राजधानी पटना में बनाया गया है, जो इन सब चीजों पर अपनी नजर बनाए रखेगा। बता दें कि पटना में स्थित इस कंट्रोल रूम में जिलों के एपीएचसी से लेकर सदर अस्पताल तक की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। अगर इस दौरान अस्पतालों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे में मुख्यालय से उन्हें फोन आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के तहत अप्रैल महीने से मरीजों को घर बैठे ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से अस्पताल की व्यवस्था से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। शराबबंदी का अध्ययन करने छत्तीसगढ़ से आई टीम ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। बिहार में शराबबंदी कानून को जानने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा बिहार में 17 सदस्यीय एक टीम भेजी गई थी, जिन्होंने बीते दिन बैठक कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और शराबबंदी को लेकर उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बता दें कि इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मद निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार, मुख्य सचिव सहित विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। मालूम हो कि इससे पहले भी बिहार में शराबबंदी को लेकर कई दूसरे राज्यों की टीम दौरे पर आ चुकी है, जिसमें एक राजस्थान सरकार की भी टीम शामिल थी। हालांकि राजस्थान सरकार के द्वारा शराबबंदी को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। वहीं अब बिहार दौरे पर आई छत्तीसगढ़ की टीम बिहार में शराबबंदी को लेकर अपना रिपोर्ट तैयार कर छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर ही शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अपना फैसला लेगी। सोशल मीडिया पर गलत खबर चलाने वालों की अब खैर नहीं। बिहार पुलिस अब उन चैनलों या लोगों पर नजर बनाकर रखेगी जो सोशल मीडिया के माध्यम से गलत खबर को फैलाते हैं या चलाते हैं। बता दें कि ऐसे चैनल्स को बिहार पुलिस के द्वारा बंद भी करवाया जा सकता है। मालूम हो कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बिहार पुलिस के द्वारा प्रिजर्वेशन नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बातें कुछ सुनने को मिलती है तो सबसे पहले सत्यापन अधिकृत सूत्रों या पुलिस अधीक्षक से जरूर करवा ले। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामलों पर आईपीसी की धारा और आईटी एक्ट की विभिन्न धारा के अंतर्गत पुलिस के द्वारा लीगल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे चैनल को ब्लॉक करना या डिलीट करने पर भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा विचार किया जाएगा और फिलहाल हमारे द्वारा ऐसे चैनल्स के खिलाफ लीगल कार्रवाई की जा रही है। बिहार राज्यपाल ने मंदार पर्वत पर काशी विश्वनाथ मंदिर का किया शिलान्यास। बीते दिन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर बिहार के बांका के ऐतिहासिक मंदार पर्वत पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, विधायक राम नारायण मंडल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि राज्यपाल का स्वागत जिला पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया। इस दौरान राज्यपाल विश्वनाथ आलेडकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें मंदार पर्वत पर आने में आनंद की अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा कि यह बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। सरकार के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है। इसके अलावा राज्यपाल ने मौके पर डॉल्फिन, गरुड़ समेत अन्य पशु पक्षियों को लगाई प्रदर्शनी का जायजा भी लिया और लोगों को संदेश देते हुए कहा कि हम बचेंगे, पर्यावरण को भी बचाएंगे। बिहार में ऐसे होगा सौर ऊर्जा का विकास। बिहार में सौर ऊर्जा के विकास को लेकर बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया है कि इसके लिए हमारा विभाग जल संसाधन और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। बता दें कि सभी बातें ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा विद्युत भवन में आयोजित की गई जल जीवन हरियाली मिशन की बैठक में की गई, जिसमें 15 विभागों ने भाग लिया था। वहीं बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजय हंस के द्वारा बैठक में कहा गया कि राज्य के पर्यटन स्थलों,
समेत पटना के सरकारी दफ्तरों में 24 घंटे बिजली की मांग को पूरा सौर ऊर्जा के माध्यम से ही किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2024 से कर दी जाएगी। मालूम हो कि फिलहाल सौर ऊर्जा के उत्पादन का कार्य रोहतास के दुर्गावती डैम और फुलवरिया डैम में किया जा रहा है। वहीं सुपौल और दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के माध्यम से बिजली उत्पादन के साथ साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इस दिन तक करें सुधार। अगर आपने भी डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म भरा है और उसमें कोई त्रुटि हो गई है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अभ्यर्थी डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आवेदन फॉर्म में हुए त्रुटि का सुधार 16 मार्च तक कर सकते हैं। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आवेदन फॉर्म के अनुसार डमी एडमिट कार्ड बीते दिन यानी कि 10 मार्च को secondary.biharboardonline.com पर जारी कर दिया गया है, जिसमें सुधार करने का मौका 16 मार्च 2023 तक है। हालांकि बोर्ड के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि कोटी में सुधार करने के लिए 200 रुपए जमा करने होंगे। अब बिहार के इन शहरों में नहीं होगी नीट की परीक्षा। एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा नीट को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से एनटीए के द्वारा बिहार में परीक्षा के 8 शहरों को कम कर दिया गया है। बता दें कि बिहार के जिन 8 शहरों को कम किया गया है उनमें अररिया, अरवल, बांका, खगड़िया, कैमूर, जमुई, नवादा और शेखपुरा शामिल है। यानी कि अब बिहार के इन 8 स्थानों पर नीट 2023 की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीट 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो चुकी है, जिसके लिए अंतिम तारीख 6 अप्रैल रात 9 बजे तक निर्धारित की गई है। स्टूडेंट्स आवेदन करने के लिए neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फीस का भुगतान स्टूडेंट्स 6 अप्रैल तक 11:50 तक कर सकते हैं। ईडी की कार्रवाई पर आरजेडी नेताओं सहित लालू ने बेटी ने दिया ये बयान। बीते दिन रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के मामले को लेकर ईडी की टीम के द्वारा राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित उनकी बेटी और उनके सगे संबंधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके आवासों पर छापेमारी की गई। वहीं इस छापेमारी को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य समेत आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना बयान दिया गया। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार का हिटलर शाही फरमान है, ईमान बेचने का पैगाम है मगर झुकने को तैयार नहीं, बिहारी माटी का जो लालू तेजस्वी लाल है, लालू जी और लालू जी का परिवार डरना नहीं लड़ना जानता है। वहीं दूसरी ओर राजद के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा के द्वारा कहा गया कि बीजेपी ने सीबीआई और ईडी जैसी संस्था के चरित्र को धूमिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी विपक्षी दल के नेता को नहीं छोड़ा गया है, कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, क्या यह उचित होगा? राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़नी चाहिए। शिक्षकों की बहाली को लेकर बीजेपी ने बिहार सरकार को दी चेतावनी। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बीते दिन यानी कि शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिहार में 15 मार्च तक 1,34,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो बीजेपी भी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बैठकर पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा बिहार सरकार के द्वारा लगातार शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को टाला जा रहा है, जो कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ठीक नहीं है। सरकार केवल रोजगार देने का वादा कर शिक्षक अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम कर रही है, जो कि बिहार की जनता के भी नजरों से छिपा नहीं है। बिहार की जनता भी यह सब देख रही है, इसलिए बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है। उनके आंदोलन में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी मजबूती से उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि हम बिहार सरकार को 15 मार्च तक का अल्टीमेटम देते हैं। भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 480 रन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के पहले पारी में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत के सामने 480 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया गया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन उस्मान ख्वाजा के द्वारा बनाए गए, इन्होंने 180 रन की शानदार पारी खेली। वहीं दूसरे नंबर पर कैमरून ग्रीन रहे, जिन्होंने 114 रन की पारी खेली। इसके साथ ही अगर भारत की गेंदबाजी की बात करें तो पहली पारी में सबसे ज्यादा विकेट ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने चटकाए, उन्होंने 47.2 ओवर में 91 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। अश्विन ने नाथन लियोन, टॉड मर्फी, मिचेल स्टार्क, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन और ट्रेविस हेड को आउट किया। इसके बाद मोहम्मद समी ने 134 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलिया की पारी समाप्त होने के बाद भारत की ओर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए, जिन्हें 10 ओवर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक कप्तान रोहित शर्मा ने 17 और शुभमन गिल ने 18 रन बनाए।
बिहार के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। दिल्ली सहित उत्तर भारत में मारकाट मचाने के बाद तैमूर लंग ने 1399 में सिंधु नदी पार की। सन 1881 में रामनाथ टैगोर की प्रतिमा कोलकाता के टाउन हॉल में स्थापित की गई। इंफोसिस कंपनी पहली भारतीय कंपनी है जो 1999 में नस्टाक अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची में आई। सुनीता ने 2007 में कोलकाता से वाघा तक के 2012 किलोमीटर के सफर को रिवर्स गियर में गाड़ी चलाकर पूरा किया। 1915 में क्रिकेट खिलाड़ी विजय हजारे का जन्म हुआ। 1925 में हैदराबाद रियासत के साथ संघर्ष करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक मदन सिंह मतवाले का जन्म हुआ। 1927 में रेमन मैक्सेस पुरस्कार विजेता भारतीय महिला चिकित्सक वी शांता का जन्म हुआ। औरंगजेब ने 1689 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी की हत्या की। 1980 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त का निधन हुआ। वायरल में आज हम बात करेंगे भारतीय विमुद्रीकृत करेंसी नोटों के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच ये जरूरी नहीं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतीय विमुद्रीकृत करेंसी नोटों के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आरबीआई के नाम से जारी आदेश में दावा किया गया है कि विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय विमुद्रीकृत करेंसी नोटों की विनिमय सुविधा बढ़ा दी गई है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि आदेश फर्जी है। विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय विमुद्रीकृत मुद्रा नोटों की विनिमय सुविधा 2017 में समाप्त हो गई है। टेलीग्राम पर ऐड हुए ये दमदार फीचर। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने अपना नया अपडेट जारी किया है जो कई नए फीचर के साथ आता है। नए अपडेट में नया पावर सेविंग मोड, प्लेबैक स्पीड ऑप्शन जैसे कई जबरदस्त फीचर ऐड किए गए हैं। नए अपडेट के साथ टेलीग्राम ने अपनी पावर सेविंग मोड में सुधार किया है। अपडेट के बाद आपकी बैटरी के एक निश्चित प्रतिशत तक पहुंचने पर पावर सेविंग मोड को ऑटोमेटिक सेट किया जा सकता है। टेलीग्राम यूजर वीडियो, पॉडकास्ट, आवाज और वीडियो मैसेज की प्लेबैक स्पीड को बदलने में सक्षम है। अब आप 0.2 गुना 2 गुना 5 गुना के बीच किसी भी स्पीड को चुनने के लिए 2 गुना बटन दबाकर प्लेबैक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। टेलीग्राम यूजर यह कंट्रोल कर सकते हैं कि किसे उन्हें ग्रुप में जोड़ने की अनुमति है या नहीं। यदि आप इसे बैन करने वाले किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं तो अब आप उन्हें एक मैसेज के रूप में तुरंत एक इन्विटेशन लिंक भेज सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, रंजीत सिंह, अखिलेश यादव, विपिन लाल वर्मा, मोहम्मद सकीर हुसैन, श्वेता रॉय, योगेंद्र रजक, प्रवेश राज, रंजन पटेल, अनमोल कुमार, रूपेश कुमार, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, राजकुमार ठाकुर, शंभू सहा, राजेंद्र सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा सोशल मीडिया साइट कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।